हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय बोली की, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो आज आप सभी का दोपहर की क्या शाम के ही 4 बजे स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पारी ऑन प्लेस पे। तो दोस्तों, आज विद्या बुद्धि एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की साधना और प्रकृति प्रेम को समर्पित पावन बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबके मनोरथ पूर्ण करें, चौंर सुख समृद्धि शिक्षा व उन्नति का वास हो। जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़ा सा आप लोगों को हल्ला भी लग रहा होगा, क्योंकि बसंत पंचमी में यहाँ पर पतंगे उड़ती हैं हमारे मेरठ शहर में, तो आज सब पतंगे उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने डीजे लगाए हुए हैं छतों पे, तो लोग बाग मज़े ले रहे हैं इस बसंत पंचमी के पर्व की। तो दोस्तों, आज का पर्व आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पहाड़ी ऑन प्लेस भाई की तरफ से, पंकज धौलाखंडी की तरफ से, दोस्तों ऐसे ही इस चैनल को भी बढ़वाते रहिए और ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। दोस्तों को दिखाता हूँ, पूरा आसमान जो है पतंगों से भर रखा है, यहाँ से तो कम दिख रही। तो आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन आप लोगों को याद होगा कि हमारा देश में पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे कई नौजवान, कई आर्मी पर्सनल हमारे उसमें शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, आज मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, उन सबको हैट्स ऑफ, जय हिंद दोस्तों, उन सभी आर्मी पर्सनल को, और हमारी ओर से भी उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जय हिंद दोस्तों। अपने अपने जनों को खोया था, तो ज़रूर याद रखना चाहिए दोस्तों, वो लोग हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं, है ना दोस्तों। तो आर्मी पर्सनल्स के लिए ऑलवेज हैट्स ऑफ है दोस्तों, हैट्स ऑफ है, जय हिंद है, जय हिंद। वो लोग बॉर्डर्स पर खड़े हैं तो ही हम लोग इन सिटीज़ में अच्छे से रह पा रहे हैं। देखते हैं, हमारे यहाँ पर भी एक पतंग आ गई, अभी गिरी है, ये अभी गिरी है दोस्तों, लो जी पतंग गिर गई है एक आगे, अब दे देंगे ऐसे किसी को, हम तो उड़ाते नहीं। गाने चल रहे हैं आप लोगों को, आज बहुत हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी मेरी, क्योंकि चारों तरफ डीजे लगे हुए हैं, माहौल अलग ही। ऐसे नज़ारे हो रखे हैं आज, अब चलते हैं नीचे जी। लो जी दोस्तों, एक और पतंग आई हुई थी नीचे, ये भी ले लेते हैं, दे देते हैं दोस्तों बच्चों को, बच्चे खेल रहे होंगे कोई ना कोई यहाँ पर बाहर, तो इंतज़ार कर रहे होंगे पतंग का। आसमान कैसे भरा पड़ा है पतंगों से।
देख रहे होंगे कि हम तो घर आ गए हैं और सब छत पे दिखे होंगे आप लोगों को वीडियो में। तो आज यही मॉल है और साथ में बात यह है कि सब्जी वाले नहीं बैठेगा आज देखो, और सब्जी वाले नहीं बैठे, सब्जी लेने गया था मार्केट। बताओ अब, हेलो कैसे हो आप? मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए यार, ये दोस्त एक तो हमारी मम्मी बड़ा परेशान करते हैं। मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए, मैं पहले चलो दोस्तों ऐसा है, नमस्कार, जय श्री राम, जय बोलेगी, जय देवभूमि उत्तराखंड। कैसे हैं आप सभी? मैं पंकज दौलाखंडी अपने इस YouTube चैनल पहाड़ी ऑन प्लेन में आप लोगों का इस नए ब्लॉग में दोबारा से स्वागत करता हूं। आज का ब्लॉग होगा फूड रिलेटेड, खाने का ब्लॉग होगा आज, और एक डिश बनाई जाएगी आप लोगों के साथ अपने इस YouTube परिवार के लिए। आज के दिन की शुरुआत मेरी इस प्यारी सी मॉम्स किचन से। दोस्तों आज बन रही है पाव भाजी और मैं बना रहा हूँ पहली बार, देखते हैं क्या बनता है, पाव भाजी बनेगी या कुछ कुछ और क्यों बनेगा। तो मैंने दोस्तों रिफाइन डाल दिया है, आलू दे थोड़ा सा, बटर ना जले इसलिए। बटर कितना डालना है देख ले अपने हिसाब से, देखो इतना बहुत है भाई, धनिया तो इसने बहुत अच्छा दिया, मुसलमान वाला भी कुछ हुआ है भाई, हम लाए हैं। ये नहीं जो मैंने लिया सुबह। हाँ बताओ, मक्खन डालना, मक्खन मक्खन से ही तो बननी है। और या बाद में डालेगा? और बस 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 अब डाल दे प्याज, प्याज के साथ ही लहसुन अदरक भी डाल दे, गरम तो हो जाए थोड़ा सा। हाँ डाल कर लेते, बटर डाल दिया है दोस्तों, प्याज के साथ ही। हाँ मेरे को पहले वो तो दे, आलू भेज दो। अदरक लहसुन डल गया है दोस्तों, प्याज डाल रहा है, प्याज लहसुन अदरक सब डाल दो, डाल दिया, क्या लगता है भून के डालो ना, अभी अच्छी नहीं हटाती है लहसुन की। आलू छीलने के लिए दे दे फिर। ये दोस्तों 10 आलू लिए हैं बॉईल। हाँ इतने थोड़े ना डालने आलू। अच्छा सॉरी दोस्तों इतने नहीं डालने तूने अगली बार सिखाइयो जब तुझे आ जाएगी। आज मैं सीख रहा हूँ दोस्तों, जरा आज दोस्तों को ना मैं सीख रहा हूँ अभी। यहाँ दोस्तों प्याज हो रहे हैं फ्राई, ये दोस्तों हमने सब्जियाँ बॉईल की हैं, अब कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डालेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको क्या डालेंगे। दोस्तों ये हल्का हल्का हो चुका है, देखना जरा, हमने शिमला मिर्च भी डाल, अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, टमाटर अभी भून तो ले पहले। दोस्तों बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो हम आगे को शूट ही नहीं कर पाए, तो अब ये हो गया है और यहाँ पर मैंने पानी बॉईल कर लिया है, अब इसे इससे मैशर से मैश कर रहा हूँ मैं, और साथ में धीरे धीरे बॉईल पानी डालता जा रहा हूँ। मक्खन भी डालते, गैस सिम पे है दोस्तों, बस अभी से मैश करते करते ये गर्म पानी पूरा धीरे 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 ये सोखती रहेगी और फिर पाव भाजी बनके तैयार है। मसाले वगैरह सब डल गए हैं, आपको एक बार दोबारा बाद में दिखाएंगे जब खुद बनाएंगे ना, अभी बनाई है मैंने, बड़ी बार सीखी है ना, और मोबाइल की बैटरी ने भी साथ नहीं दिया, बड़े ही अफसोस की बात हो गई। तो दोस्तों अपनी पाव भाजी बनके तैयार है, पापा खा रहे हैं, कैसी बनी है? मज़े आ गए, बहुत बढ़िया पाव भाजी है, मज़े आ रहे हैं, हम ब्रेड के साथ खाते हैं, पाव नहीं लाते, जितने मज़े हमारी ब्रेड के साथ खाने में मज़े आते हैं
हमें पाउटा भाजी नहीं आती, हम ब्रेड दोस्तों ये हमारी ब्रेड भाजी है, ब्रेड भाजी हम तो ब्रेड के साथ खाते हैं इसे, बढ़िया लगती है ब्रेड के साथ। ठीक है दोस्तों, खाते हैं फिर, और बढ़िया बनी है, पहली बार सक्सेसफुल हो गए हम। चलिए अब मिलते हैं आपको।